ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात अब ठंड की कर ले, पूरा देश कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। इंसान जानवर सभी सर्दी के प्रकोप से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में भगवान गणेश को ठंड से बचाने के लिए उनके भक्तों ने क्या खास इंतजाम किए हैं, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ठंड ने मचाया कोहराम, देवी देवता भी हुए सर्दी से परेशान। भक्तों ने दिखाई भगवान में आस्था। रुपयों की जगह रजाई कंबल किए दान। सर्दी के प्रकोप के चलते इंसान तो इंसान, भगवान भी ठंड की जद में आ चुके हैं। सर्दी से बचने के लिए भगवान को भी कंबल रजाई का सहारा लेना पड़ रहा है। भगवान को भी चादर उढ़ाई जा रही है ताकि ठंड के मौसम में भगवान को कुछ राहत मिल सके। वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर परिसर में विराजमान नंदी बाबा को पुजारी गर्म चादर उढ़ाकर सर्दी से बचाते नजर आ रहे हैं। ये बनारस में इस समय ठंडी काफ़ी पड़ रही है और अमूमन देखा जाता है कि दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में इस तरह की ठंडी पड़ती है, मगर इस बार ठंड जो है मध्य दिसंबर में ही काफ़ी पड़ रहा है और यहाँ का तापमान इस समय लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार सर्दी पहले से ज्यादा है। वाराणसी में पारा 10 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऐसे में बड़ा गणेश मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को रजाई कंबल पहनाया जा रहा है। आम इंसान के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि हम लोग श्रद्धा है तो भगवान को भी जो है कहीं ना कहीं ठंड का एहसास होता है और उस भक्तों ने भगवान को भी चढ़ावे के रूप में रजाई गद्दा का चढ़ावा चढ़ाया है। बढ़ती ठंड के चलते श्रद्धालु दूध और मिठाई की जगह भगवान को गर्म बिस्तर और कपड़े चढ़ा रहे हैं। भगवान गणेश के भक्तों ने शीतलहर से उन्हें बचाने के लिए उन पर भी दान में कंबल चढ़ाया है। ठंड इस बार ज्यादा पड़ रही है, बाबा को रजाई वजाई पहनाया जाता है। क्यों आज अगर जैसे गर्मी में कूलर एसी पंखा ये सब भी लगता है बाबा के सामने, तो ठंड में भी उसी तरह इंतजाम बाबा का होता है, रजाई वजाई ओढ़ाया जाता है। भगवान गणेश के अलावा मंदिर में स्थापित दूसरे देवी देवताओं को भी भक्तों ने छोटे छोटे गर्म स्वेटर दान दिए हैं। मूर्ति के साइज की गर्म कैप भी उन्हें चढ़ाई गई है। ठंड का सिकन तो ज्यादा है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, इसलिए ठंड ज्यादा पड़ रही है तो बाबा को रजाई पहनाए हुए। मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि सर्दियों की तरह गर्मियों में भी गणेश भगवान के लिए पंखा, कूलर और एसी का बंदोबस्त किया जाता है। R9 टीवी के लिए वाराणसी से राजू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बनारस की तस्वीर आपने देखी। बनारस की ही तरह मथुरा में भी भगवान को ठंड से बचाने के लिए भक्तों ने रजाई कंबल की व्यवस्था की है। जी हां, उनके लिए ग्लव्स और मोजे तक का बंदोबस्त किया गया है। सर्दी से बचाने के लिए ठाकुर जी को और क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मथुरा में भी पारा गिरता जा रहा है। बढ़ती ठंड मथुरा वासियों को परेशान कर रही है, मगर ठिठुरते मौसम में ठाकुर जी को सर्दी का एहसास ना हो, इसके लिए भक्त तरह तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं। ठाकुर जी के राधा वल्लभ के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक ऐसे दर्शन नहीं हुए, बहुत अद्भुत दर्शन हुआ है माता रानी के। यहाँ भी ठाकुर जी को गर्म वस्त्र चढ़ाए जा रहे हैं। सर्द लहरों से बचने के लिए उनको ग्लव्स और गर्म मोजे भी पहनाए जा रहे हैं। बांकी बिहारी मंदिर से होके आ रही हूँ और अब इस टाइम मैं राधा वल्लभ मंदिर में हूँ और मुझे बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। मैं आज पहली बार आई हूँ राधा वल्लभ मंदिर में और मुझे राधा रानी ने बहुत प्यारे, बहुत सुखद दर्शन दिए।
राधा बल्लभ मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे भक्त अपने अपने आराध्य को इस रूप में देखकर खुद को धन्य मान रहे हैं। ठंड से भगवान को बचाने के लिए लोग बाजार से गर्म कपड़ों की खरीदारी कर भगवान पर चढ़ा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस तरह वो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, वैसे ही ठाकुर जी को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी की जा रही है। हमने उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना है, जैसे हम अपने बच्चे के लिए लेके जाते हैं, तो वैसे हमने ठाकुर जी के लिए, हमें देखते ही वो पसंद आया, उस नई चीज लगी एकदम, तो हमें अच्छा लगा। आस्था यही खत्म नहीं हुई, श्रद्धालुओं ने भगवान के आगे अंगीठी भी जलाई है ताकि उनका गर्भगृह गर्म बना रहे। भगवान के यहाँ भी ठंड का पूरा मौसम था, बिल्कुल जिस हिसाब से ठंड पड़ती है उस हिसाब से भगवान की ड्रेस भी थी, उन्होंने मोजे पहन रखे हैं, सारी चीजें, सिगड़ी लगी हुई है भगवान की, सब बढ़िया से है। सर्दी में भगवान कृष्ण के खाने पीने का भी खासा ध्यान रखा गया है। ठंड से बचाव के लिए विशेष तौर पर ठाकुर जी के लिए खिचड़ी तैयार की जाती है। तीन प्रकार के भोजन उसमें हो जाते हैं, एक सुबह खिचड़ी का, फिर दोपहर में राजभोग और रात्रि में शयनभोग। वैसे भोजन के हिसाब से दो टाइम है, राजभोग का और शाम रात में शयन। जहां एक ओर ठाकुर जी के गर्म श्रृंगार वाला रूप देखकर भक्त खुद को धन्य मान रहे हैं, वहीं कड़ाके की सर्दी में कान्हा के गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ने से दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो सर्दी के प्रकोप से कोई बच नहीं पा रहा है, इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो या फिर भगवान। चलिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।